दोस्तों एक और मुकाबला इस वक्त यमुनानगर की टीम के साथ मुखातिब होते हुए अतिथि और मजबूत टीम लेकर पहुंचे हैं यहां टीम की कोच निर्णायक दल और यह है कुरुक्षेत्र की टीम अंडर 19 बालिका वर्ग में 57th स्कूल कबड्डी हरियाणा स्टेट 2024 बड़ा मुकाबला एक यादगार छायाचित्र मेमोरी के लिए। जी दोस्तों खेल शुरू होता हुआ कुरुक्षेत्र की टीम ने कप्तान टॉस जीता और चॉइस कोटिज लिए यमुनानगर की पहली रेड और यहां हां मुश्किल हो सकती है डिफेंडर के लिए और पहली रेड से अच्छी शुरुआत यहां यमुनानगर की पॉइंट से। तो शुरुआत तो अच्छी मिली है यमुनानगर को और देखते हैं यहां बोनस से कैसे खेल को आगे बढ़ाती है और क्या कमाल का कैच दिखाया है। हुआ जबरदस्त कैच पहली ही रेड और डिफेंस की बात हो या रेड की बात हो 2-0 से आगे इस वक्त यमुनानगर मुश्किलें बढ़ सकती हैं यहाँ यमुनानगर की। 5 डिफेंस के साथ इस वक्त पूनम कॉर्नर पे एक नंबर जबकि उनके साथ मुस्कान और भानो और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचते हुए फिर से सफल रेड एक और पॉइंट बैक टू बैक 3-0 से आगे यमुनानगर। तो काफ़ी कमाल का खेल बुलंद हौसलों के साथ और थाई पे अटैक देखिए पहले ही एक्शन से ढेर हो गई 4-0 से आगे 2 रेड से 2 पॉइंट और 2 डिफेंस से वही 2 पॉइंट यानी कि सुपर टेकल में आता हुआ 3 के डिफेंस में 11 नंबर पहचान संख्या इस वक्त है रिया का रथ पश्चिम में आया लाल हुआ जिलों का पानी धीरे धीरे रंग लुटाती आई प्यारी शान सुहानी। दोपहर का समय और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा मजा आएगा खेलने। पायल 29 नंबर पहचान संख्या में इस वक्त है 7 का बेहतरीन डिफेंस 4-0 से आगे है इस वक्त है। शेफी कम बैक 3 के डिफेंस से मुश्किलें बढ़ सकती हैं शेफ कम बैक और यहाँ लंबी उड़ान भरी मगर लक्ष्य से दूर और यहाँ कुरुक्षेत्र ऑल आउट के लिए मजबूर शायद कहीं ना कहीं अब संकट में है 2 ही बालिकाएँ कोर्ट पे हैं और ऐसे में टैकल करना बहुत मुश्किल लग रहा है। पहले पॉइंट की प्रतीक्षा में 5-0 से आगे है इस वक्त यमुनानगर। तो निश्चित रूप से यमुनानगर के नगर में लगातार पॉइंटों की बौछार गुरुकुल मोर मांजरा फिर से आशा उमंग और यहां पकड़ी गई फिर से एंगल होल्ड जबरदस्त और अब अंतिम डिफेंडर इसलिए आत्मसमर्पण। पहली बार यहां कुरुक्षेत्र ऑल आउट होता हुआ यमुनानगर के सामने 9-0 से आगे 7-2 का मुकाबला और जो खेल अब तक दिखाया है और यहाँ पहली गलती पहला पॉइंट इस वक्त कुरुक्षेत्र के रन में जाता हुआ कुरुक्षेत्र जो कि महाभारत के लिए पूरे विश्व में पहचान रखता है जहाँ कौरव पांडवों के बीच ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसमें अपनों ने अपनों पर वार किया। युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने चेताया था कि हम अपने लिए 5 और मिल जाएं तो शेष जगत के लिए 105 हैं मगर दुर्योधन ने अट दिखाया काश कौरव और पांडव एक होते तो कुरुक्षेत्र की मिट्टी रिस्तु के रक्त से लाल नहीं होती मगर ये इतिहास के पन्नों में। और यहाँ इस वक्त रिया एक बार फिर 11 नंबर इनकी पहचान संख्या और सफल रही हैं अब तक लगभग हर रेड पे या फिर सेफ वापस लौटी है और फिर से सेफ वापस लौटने की ही मंशा और उस पर कामयाबी बोनस की कोशिश के बाद सेफ वापस लगे फिर से ललचाने की कोशिश पूनम यहाँ और पूनम की झोली में पहला पॉइंट। तो धीरे धीरे बढ़त को कम करने की कोशिश बोनस की कोशिश में देखिए लक्ष्य तक पहुँची शायद बोनस होना चाहिए इस एंगल से जैसे देखने को मिला रिया को सेफ वापस लौटना ही बेहतर होना चाहिए यहाँ नहीं पूनम एक बार फिर से और यहाँ बलों को तोड़ते हुए पहुंचे लक्ष्य तक आसानी के साथ
लक्ष्य तक पहुंचते और अब स्कोर में इजाफा धीरे धीरे चार पे पहुंचा और यहां इधर से फिर से शानदार टैकल, खेल बदलता हुआ लगातार पॉइंट अर्जित करता इस वक्त कुरुक्षेत्र, लेकिन मुश्किलें यहां देखिए अब बदलते भी। पूनम सलीह राइट पे ऑल आउट का खतरा भी देर भी दिखाई देने लगा है यमुनानगर के ऊपर और सुपर टैकल में स्पष्टता हुआ, यहां शायद लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, इसके साथ ही ऑल आउट, एक रेड से चार पॉइंट यहां मिलते हुए हिसाब चुकता किया ऑल आउट का और फिर से शानदार टैकल, कंटिन्यू फॉर्म का फायदा उठाता हुआ कुरुक्षेत्र यमुनानगर, एक बार उधर एक बार इधर, पिछले रेड से भी पॉइंट अर्जित किया था कुरुक्षेत्र ने और यहां बड़ी देर से यमुनानगर को एक पॉइंट मिला है और ये लीजिए लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश बोनस के साथ अंडर प्रेशर और तराजू की तरह मुकाबला तुल गया है। स्कोर की अगर बात की जाए तो इस रेड के पास आपको स्कोर कार्ड के लिए चलेंगे, लगभग बराबर का पलड़ा, देखते हैं आखिर कौन सी टीम बाजी मारती। फर्स्ट हाफ का खेल 7-7 का मुकाबला, तेजी से आगे बढ़ी पूनम और पॉइंट लेकर नहीं, एक और पॉइंट कुरुक्षेत्र की झोली में, 14वां पॉइंट, ये देखिए 14-10 का स्कोर, यमुनानगर 10, तो 4 अंक की बढ़त कुरुक्षेत्र के पास और निश्चित रूप से पहले लग रहा था एक तरफा मुकाबला जाएगा, लेकिन खेल कैसे बदला है, दाद देनी होगी। कुरुक्षेत्र टीम होनार बेटियां इस वक्त भिन्न भिन्न जिलों से, हरियाणा प्रदेश की, पूनम वंस अगेन ऑन द रेड, 4 का डिफेंस है। यहां क्या गलती की है, इंतजार करना होगा। जी हां, एक और पॉइंट कुरुक्षेत्र की झोली में जाता हुआ, अब 15-10 यानी 5 अंक की बढ़त बना चुका है। पलक इस समय देखिए, पलक पांवड़े बिछाने के लिए अपने टीम की जीत के नैया पार लगाने की कोशिश, कितने रंग लाएगी ये तो खैर इनका खेल और समय ही बताएगा, मगर दबाव इस समय दिखाई दे रहा है जैसे वापसी की और ऑल आउट किया कुरुक्षेत्र ने यमुनानगर टीम को। ये काफ़ी तारीफ के योग्य क्योंकि कुरुक्षेत्र जिस प्रकार से ऑल आउट हुआ, बहुत दबाव में था, 9-0 से पीछे था और उसके बाद जैसे ही ओपन इज़ अकाउंट किया, बाजी वापस पलटी और बढ़त बनाई। पलक वंस अगेन, ये देखिए लोक नृत्य कलाओं के अंदाज से ललचाने की कोशिश, यहां डिफेंडर को गलती के लिए न्योता दे रही हैं, लेकिन डिफेंस सॉलिड साबित रहा पिछले 2.5-3 मिनट के खेल में और यहां लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, मगर यहां फंस गई है, अब छोड़ने वाला नहीं यमुनानगर, टाइम आउट। 11-15 4 अंक पीछे यमुनानगर कुरुक्षेत्र से, लेकिन साहत में आगे बढ़ता हुआ वापसी की कोशिश, देखते हैं कितना कम बैक कर पाता है इस हाफ में, समय ज़्यादा नहीं और क्या कैच किया है, हालांकि डुबकी लगाई थी लेकिन क्लियर नहीं, इसलिए हाफ टाइम का समय 16-11 का स्कोर है इस समय। कोच लगातार दिशा निर्देश से कोचिंग देती भी और टीम ने बखूबी वापसी करते जो प्रदर्शन किया, काबिले तारीफ। 16-11 के साथ खेल सेकंड हाफ का शुरू इस समय, 3 के डिफेंस में और यहां गलती की है, ये देखिए कुरुक्षेत्र की झोली में ये 17वां पॉइंट, यमुनानगर नाजुक होता हुआ शुरुआती समय में पॉइंट से शुरुआत की थी, काफ़ी आक्रामक खेल था, लगभग हर रेड के ऊपर पॉइंट अर्जित कर रहा था और डिफेंस से भी पॉइंट बटोर रहा था, लेकिन ऑल आउट भी किया, 9-0 से लीड कर चुका था, उसके बावजूद गलतियाँ की और उस गलतियों से सबक लेने की आवश्यकता, तभी वापसी संभव है यमुनानगर की। यहाँ और यहाँ देखिए फिर से वही पुनरावृत्ति और कुरुक्षेत्र की झोली में पूनम ने ये एक और बहुमूल्य पॉइंट दिलाया, अब 18-11 का स्कोर यानी कि 7 पॉइंट की बढ़त है। 5 नंबर में इस वक्त बहुत दबाव में भानो, अंडर प्रेशर, भानो हो, मुस्कान हो या फिर पूनम, पूनम है इस वक्त रेड पे, ऑल आउट करना चाहिए था
लेकिन समय बिताया ताकि जीत और सुनिश्चित हो। दबाव बढ़े, एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल लीड लेने की कोशिश और यहां आसानी से शिकार करता हुआ दूसरी बार ऑल आउट करता हुआ कुरुक्षेत्र यमुनानगर को। तो देखा जाए तो दोनों हाफ में एक एक बार ऑल आउट किया कुरुक्षेत्र ने और बोनस यहां अर्जित करता हुआ 22-11 का स्कोर। जितना स्कोर यमुनानगर का उतनी बढ़त है इस वक्त कुरुक्षेत्र के पास। तो इतिहास के पन्नों में यूं ही दर्ज नहीं है, कुरुक्षेत्र काबिलियत भी रखता है शिक्षा के साथ साथ खेल जगत में भी। तो कहीं ना कहीं मनोबल खोता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त यमुनानगर। हौसला बनाए रखने होगा तभी वो मैच में वापसी कर सकते। रिया दबाव बहुत ज़्यादा इस वक्त यमुनानगर पे, काफ़ी पिछड़ता हुआ मैच में और वापसी मुश्किल जोखिम उठाना ही होगा क्योंकि समय तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और कोई चारा नहीं। अंडर 17 के मैचेज भी आपको देखने को मिलेंगे लेकिन सेफ कमबैक। 5 नंबर पहचान संख्या 92 है संभवत आया सेफ ही कमबैक। 92 कदमों का इस्तेमाल किया, तेजी से आगे बढ़ी है और यहां लक्ष्य के करीब है। उसके बावजूद देखिए क्या कमाल का ब्लॉक किया है, धक्का देकर बाहर धकेला और कुरुक्षेत्र के रन में एक और कीमती पॉइंट। 5 नंबर पहचान संख्या में भानु बेहद दबाव में, भानु अच्छा कर रहे हैं, माफ कीजिए यमुनानगर दबाव में है जबकि बोनस के साथ स्कोर में कंटिन्यू इजाफा। और ये देखिए एक और बेहतरीन टैकल, वही अंदाज उसी साइड लाइन से बाहर भेजता कुरुक्षेत्र। पुण्यम चली है, पुण्यम का खेल बहुत बेहतरीन है, समय बिताना भी जरूरी है। सेफ वापस 11-26 देखिए 15 की बढ़त और अब नामुमकिन है वापसी करना मुश्किलों में यमुनानगर। पहले ठोस शुरुआत की, 9-0 से लीड किया ऑल आउट करते हुए और यहाँ पे तो गलत तरीके से अनुचित, यहाँ देखिए कपड़े पकड़ने की कोशिश की और रेड सफल बोनस के साथ 2 पॉइंट यानी सुपर रेड यमुनानगर की। बोनस लेकर फिर से स्कोर में इजाफा किया, 27-14 का स्कोर, 13 अंक की बढ़त, लगभग दुगना स्कोर और इस स्कोर से वापसी करना अब शेष समय में बेहद कठिन यानी कि टेढ़ी खीर। चमत्कार ही वापस ला सकता अब तो यमुनानगर की, नैया पार लगाना नामुमकिन है। पूनम चली है फिर से 14-27 का स्कोर, 13 अंक की विशाल लीड है और समय बिताना अब फितरत कुरुक्षेत्र की। दबाव में यमुनानगर बेहद प्रेशर यहां दिखाई देने लगा है। 5 का डिफेंस और निश्चित रूप से 9-0 से पिछड़ने के बाद जो वापसी की कुरुक्षेत्र ने दाद देनी होगी कुरुक्षेत्र की होनार बालिकाओं की, न बल्कि वापसी की। 2 बार ऑल आउट किया दोनों हाफ में एक एक बार और बड़ी बढ़त बनाई है इसमें, बड़ी जीत की ओर अग्रसर। देखिए खेल कैसे बदला, ये समझ से परे होगा यमुनानगर के और अब दांतों तले अंगुली चबाने को मजबूर। और यहाँ देखिए फिर से लो लक्ष्य तक पहुँच गई पाँव के सहारे, बड़ी देर से एक यमुनानगर की नगरी में ये 15वां पॉइंट। 15-27 12 अंक का बीबी पीछे, दबाव गहराता जा रहा है, बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट लग रहा है कि अब इस दबाव से बाहर निकलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तेजी से आगे बढ़े और 10 पॉइंट की कोशिश मगर सेफ ही। तमाम ऑफिशियल्स वीआईपी यहां पहुंचते हुए इस शानदार खेल कबड्डी का आनंद उठाने के लिए। गंवाया है अंक, जी हाँ यमुनानगर आखिर 16 पे तो पहुंच गया लेकिन अभी भी 11 अंक का फासला है इस निर्धारित समय में।
लगभग नामुमकिन लगने लगा है। ड्यूज कैंट और गवा दिया पॉइंट, रेडर आउट, ऑल आउट का खतरा। यहाँ मौका है हिसाब चुकता करने का, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो ऑल आउट कर चुका है यमुनानगर कुरुक्षेत्र को, लेकिन दूसरे हाफ में यहाँ देखते हैं मौका बना पाता कि नहीं। और क्या टेकल किया है एंगल होल्ड कॉर्नर से, और ये वो वक्त था जहाँ वापसी की गुंजाइश संभव लग रही थी, लेकिन उस गुंजाइश को भी स्वीकार नहीं किया यमुनानगर ने। इसका सीधा सा गणित कि यहाँ जीत कुरुक्षेत्र की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। इस बीच टेकल जरूर अच्छा किया, 17वां टेकल, लेकिन यहाँ 2 मिनट का खेल शेष है। फिर से 2 के डिफेंस में, यहाँ भी अवसर है एक बार, क्या ऑल आउट कर पाता है कि नहीं। एक साइड में जाना थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और डबल थाई होल्ड, और अब यह देखिए छोड़ने का सवाल ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश, और बहुत कम देखने को मिलता है, हाथ को नियंत्रित किया, और यहाँ ये देखिए लगातार दूसरा बेहतरीन टेकल। जबरदस्त नजारा यहाँ देखने को मिलता है, इस अंडर 19 स्कूल गर्ल्स कबड्डी हरियाणा स्टेट टूर्नामेंट में सेफ ही कमबैक, और अब जीत सुनिश्चित है। अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष, 30 पे पहुंचता बाकुर क्षेत्र, जबकि 17 पे है यमुनानगर, यानी 13 अंक की बढ़त, और इस बढ़त से पार पाना अब नामुमकिन, क्योंकि 1-2 रेड का ही समय और शेष होगा इस रेड के बाद संभवतया। यमुनानगर ने अवसर आए थे वापसी के, लेकिन उन्हें बना नहीं पाए। गुरुकुल मोर मांजरा बहुत बेहतरीन इंडोर स्टेडियम और उत्तम सुविधाएं, सेफ वापस, ये संभवतया अगर समय पूरा लिया तो फाइनल रेड होगा फिर मैच का। कितना समय लेकर वापस आते हैं सेल्फ आउट एक खिलाड़ी, उपहार में 1 पॉइंट ज़रूर मिला है, और यहाँ लीजिए 2 पॉइंट के साथ स्कोर में वृद्धि ज़रूर, लेकिन समय समाप्ति के करीब है, लीजिए बच गए सीटी। इसके साथ ही खेल समाप्त यहाँ, और 20-31 के साथ यहाँ कुरुक्षेत्र ने यमुनानगर को पराजित किया। बहुत ही शानदार खेल दिखाया, शुरुआती समय में 9-0 से आगे था ऑल आउट करने के बाद यमुनानगर, लेकिन क्या बाजी पलटी है कुरुक्षेत्र की टीम ने, एक्सीलेंट प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच।